Hey everyone, this is me Naman Nayak. Welcome back to पढ़ाई के लिए। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी हाइलाइटर्स बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक की बात करने वाले हैं। तो ये रहे मेरे शॉर्ट नोट्स। इन शॉर्ट नोट्स में मैंने हर उस पॉइंट को मेंशन किया है जिससे क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस हैं या प्रीवियस ईयर में कभी भी कोई क्वेश्चन आया हुआ है। लाइक आप देख सकते हैं रेट कॉन्स्टेंट्स जो कि टेम्परेचर पर सिर्फ डिपेंड करता है, इसमें मेंस में दो बार क्वेश्चन आ चुका है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर हर साल एक क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल रेट लॉ भी, तो हर एक पॉइंट जिससे क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस हैं उसे यहाँ पर मेंशन किया गया है। और जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं या फिर ग्राफ्स हैं उन्हें भी कंप्लीट लिखा गया है क्योंकि उससे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। लाइक आप देख सकते हैं जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन एंड फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन, ये ग्राफ जो कि पेपर में आते हैं। और लगभग सारे ग्राफ जो कि एनसीईआरटी में हैं अवेलेबल, उन सबको यहाँ पर बनाया गया है जिससे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। लाइक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को हर एक पॉइंट को वहाँ पर दिखाया गया कि कौन से एरिया किसको डिनोट कर रहा है। तो आप पढ़कर मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हैं और ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ अवेलेबल होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एनसीईआरटी हाइलाइटर्स। हम सब जानते हैं कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब भी ज़्यादातर बच्चे एनसीईआरटी को अवॉइड करते हैं और नहीं पढ़ते हैं, जबकि एनसीईआरटी बुक हर एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पीडीएफ में मैं एनसीईआरटी का हाइलाइटर्स लेकर आया हूँ जिसमें हर पॉइंट को हाईलाइट करके बताया गया है कि कौन सा पॉइंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ उन पॉइंट्स को पढ़कर चले आएंगे तो आप इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन फोड़ सकेंगे। तो देखते हैं, लाइक आप देख सकते हैं जो रेड पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनसे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। लाइक देख सकते हैं गिब्स एनर्जी अगर जीरो से कम है तो फिर वो रिएक्शन फिजिबल होगी, तो इस पर क्वेश्चन आ चुका है और आता भी है। तो इस पीडीएफ में रेड येलो ग्रीन और ब्लू कलर का यूज़ किया गया है। मैं आपको पहले बता दूँ रेड कलर जो पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस हैं। आप हर एक पॉइंट को पढ़िएगा जो हाईलाइट किया गया है, इससे एनसीईआरटी पढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी और आपको पता भी चल जाएगा कि एनसीईआरटी में कौन सा पॉइंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किससे क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस होते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और एक या दो बार रीड कर सकते हैं जिससे आपको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मैं पूरे पीडीएफ को स्लाइड करा के दिखा देता हूँ आपको। अट्ठाईस पेज के एनसीईआरटी मोस्टली बच्चे अवॉइड कर देते हैं और मैंने भी करी थी, लेकिन लास्ट टाइम पर मैंने एनसीईआरटी को पढ़ लिया था और जिससे मुझसे इस चैप्टर से मेजरली सारे क्वेश्चन बन गए थे। एनसीईआरटी में दिए हुए सारे न्यूमेरिकल और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और मेजरली उन्हीं से बोर्ड एग्ज़ाम या फिर मेंस में भी वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो रेड पॉइंट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, देन ब्लू पॉइंट, ग्रीन पॉइंट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड देन येलो पॉइंट्स। येलो पॉइंट वो पॉइंट्स हैं जब पेपर थोड़ा कठिन बनता है तो उनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। जो बच्चे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट हैं, उन्हें सारे क्वेश्चन रिवाइज करने चाहिए। इस पीडीएफ में 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन दिए हुए हैं। देख सकते हैं अब ये ऑल इंडिया 2016 में आया था सेट सी में, तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि प्रीवियस 15 ईयर्स में पेपर में पूछे गए हैं और यहाँ पर उनका प्रॉपर सोल्यूशन भी दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका अच्छा सोल्यूशन दिया गया है और इसमें मार्किंग भी करी गई है कि किस पार्ट पर कितने मार्क्स दिए जाते हैं, किस पॉइंट को लिखने पर हाफ मार्क्स मिलता है और किस पॉइंट को लिखने पर 1 मार्क्स रिवॉर्ड दिया जाता है। तो इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं जिससे आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी और पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इस वीडियो में दिखाए गए
सारे PDFs की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाइए वहाँ से डाउनलोड करिए और हर एक PDF को देखिए। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वर्थ वॉचिंग देन प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़।